वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्जाइमर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ आखिर है क्या। तो अल्जाइमर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, डीजनरेशन का मतलब डेड होना, ठीक है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स एंड डीजनरेशन का मतलब हुआ डेड होना। इसके ठीक पहले हमने आपको एक और डिजीज़ न्यूरो डीजनरेटिव पढ़ाई है जिसका नाम है पार्किंसन। तो अल्जाइमर भी क्या है? एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। और न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होने के साथ ही साथ इसमें क्या है, ये स्टार्ट होती है स्लोली, यानी ये धीरे धीरे स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये आगे चल के प्रोग्रेस के साथ ये वर्स्ट हो जाएगी, ये ख़राब। तो अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये क्या होगा, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करता जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये वर्स्ट, ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, ये अल्जाइमर आगे चल करके वर्स्ट कंडीशन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्जाइमर की जो डिजीज़ है वो हमने बोला कि न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। हमने क्या बताया, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। बट न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ तो है, बट ये आपके ब्रेन के किस पार्ट को इफेक्ट करती है? तो आपके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को इफेक्ट करती है। अगर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पता है तो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर पता होगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपके कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को इफेक्ट करती है, साथ ही साथ ये आपके सब कॉर्टिकल रीजन को इफेक्ट करती है। तो सब कॉर्टिकल रीजन एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को ये इफेक्ट करती है। तो अगर आप ये, अगर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनके हम डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब हो गया, पेराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया। तो इसमें से भी ये कौन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से लोब को इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले हमारा है कॉर्टेक्स में भी आपके किस लोब को ये इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले हमारा आता है टेम्पोरल लोब ये होता है, पेराइटल लोब यानी कि पीछे का लोब, एंड फ्रंटल लोब यानी आपके फ्रंट का पार्ट, फ्रंटल लोब। तो इन तीनों ही पार्ट के न्यूरॉन्स को ये डैमेज करते हैं, यही इन्हीं की पार्ट्स के न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आपकी ब्रेन में न्यूरॉन्स जो कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट की फ्रंटल पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब की न्यूरॉन्स जब डैमेज होंगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब वो सिकुड़ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रॉफी बोलते हैं। एट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एट्रॉफी अगर आप समझिए, तो अगर आपकी ये मान लीजिए आपकी ये नॉर्मल सेल है, तो एट्रॉफी का मतलब होता है जब ये सेल अपनी साइज से छोटी हो जाए। आप देख रहे हैं ये सेल इस साइज से छोटी हो रही है, तो जब ये सेल साइज से छोटी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एट्रॉफी। इसका ठीक उल्टा होता है हाइपरट्रॉफी, इसमें आपकी सेल अपनी नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल सेल, ये हो गई हमारी एट्रॉफिक सेल और ये हो गई हमारी हाइपरट्रॉफिक सेल। तो अल्जाइमर के कंडीशन में क्या डेवलप हो रहा है, एट्रॉफी हो रही है। किसकी? ब्रेन की जो सेल्स हैं उनकी एट्रॉफी हो रही है। अब वो एट्रॉफी क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी ब्रेन की सेल्स क्या हो रही हैं, डेड हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो आपका अल्जाइमर होता है वो 60-70% डिमेंशिया कॉज करता है। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, भूलने की बीमारी, याददाश्त का कमज़ोर होना, भूलने की बीमारी। तो जो 60-70% केसेस है डिमेंशिया के, वो ड्यू टू अल्जाइमर होते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ है कि जैसे कि आपका जो अल्जाइमर है वो अल्जाइमर क्या है, फर्स्ट टाइम जर्मन साइकेट्रिस्ट को हुआ था, जिनका नाम था एलियोस अल्जाइमर, इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम अल्जाइमर पड़ा है। ये आपके लिए सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, ये आपके बस एक इंफॉर्मेशन के लिए ये हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका अल्जाइमर होता है वो अल्जाइमर, क्योंकि देखिए जब स्लोली प्रोग्रेस करेगा, जो जैसे हमने आपको पहले बताया कि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये स्लोली प्रोग्रेस करते जाएगा और अपनी वर्स्ट कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। तो वर्स्ट कंडीशन में डेवलप होगा तो उसमें होगा क्या, तो देखिए हमने आपको पहले बताया कि जो आपका अल्जाइमर है वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल के पार्ट्स को डिफेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो अगर आपको ब्रेन का फंक्शन पता है तो आपको ये पता होगा कि जो आपका कॉर्टेक्स का पार्ट है, तो आपको ये पता होगा कि जो आपका ब्रेन का कॉर्टेक्स का पार्ट है उसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है आपका मेमोरी में, मतलब
मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है आपका मेमोरी में, यानी कि याददाश्त में, याददाश्त में इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट इसका प्लानिंग में काम होता है, प्लानिंग का इन द सेंस जैसे आप किसी जगह की किसी चीज़ को करने का प्लानिंग करते हो, तो ये सब चीज़ें आप अपने ब्रेन के किस पार्ट की वजह से कर पाते हो, कॉर्टेक्स की पार्ट की वजह से कर पाते हो। लैंग्वेज में जैसे कि हम आपकी लैंग्वेज समझ पाते हैं, आप हमारी लैंग्वेज समझ पाते हैं, या फिर आप कोई नई लैंग्वेज सीख पाते हो, तो उसमें भी आपका कॉर्टेक्स का पार्ट यूज़ होता है। इसके अलावा क्या होता है, पार्टिसिपेशन में, जैसे कि आप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपका ब्रेन का कॉर्टेक्स का पार्ट यूज़ होता है। तो क्या है, क्योंकि अब आपका जो ये पार्ट है जिसका ये मेन फंक्शन है प्लानिंग में, पार्टिसिपेशन में, मेमोरी में, लैंग्वेज में, तो अगर आपकी ब्रेन की पार्ट का ये कॉर्टेक्स का पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो वो जो उसका मेन फंक्शन था जो कि हमने आपको बताया, वो मेन फंक्शन क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। मतलब अब आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और वो काम क्या है, वो काम है मेमोरी को, मतलब याददाश्त अच्छे से नहीं रहेगी आपकी, आप किसी चीज़ को प्लान आउट नहीं कर पाओगे, आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी, लैंग्वेज जैसे बोलते हैं तो लड़खड़ा के बोलना हुआ, या फिर कोई नई लैंग्वेज को सीखना हुआ, ये सब आप नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन करना वो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, कैसे आप पहचानेंगे कि किसी पर्सन को अल्जाइमर है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि मेडिकल टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे और इसका मीनिंग हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिनिक एप्रेक्सिया का मतलब होता है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली हैंडल नहीं कर पाओगे, या फिर उसको वर्किंग आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि आप रिमोट से टीवी ऑन होती है, लेकिन क्योंकि अगर आपका अल्जाइमर है तो आप उसको भूल जाओगे, आप रिमोट से टीवी को ऑन नहीं कर पाओगे, एप्रेक्सिया की कंडीशन हो जाएगी। मान लीजिए आप व्हीकल चलाते हो तो वो आप इजिली नहीं रन कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या है, एप्रेक्सिया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है तो आप उसको थ्रू आउट ऑफ द लाइफ नहीं भूल पाओगे, बट इन केस ऑफ अल्जाइमर वो सारे ऑब्जेक्ट जो आपने पहले ईजिली हैंडल किए हुए होते हैं उसको भी आप भूल जाते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, एफेक्सिया। एफेक्सिया का मतलब क्या होता है, ना तो आप इजीली किसी चीज़ को बोल पाओगे, ना तो उसको समझ पाओगे। जैसे हमने आपको बताया ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो आप की जैसे हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो आप जब किसी पर्सन को अल्जाइमर है तो वो जब बात करेगा तो वो ईजिली बात नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मतलब क्या है, लड़खड़ा के बात करना हुआ हो गया, या फिर आपकी बोली गई बातों को वो सीधी से समझ नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है अनोमिया। अनोमिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई बात आपसे कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, किसी भी बात को करने के लिए आपके ब्रेन में सारी चीज़ें डेवलप है, आपको कोई चीज़ आप समझाना चाह रहे हो, कोई नई चीज़ बोलना चाह रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या है, उस चीज़ को ईजी वे में आप तक पहुंचा पाता है। क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन में क्या है, आपके ब्रेन जब प्रॉपर फंक्शनिंग करता है तो किसी भी चीज़ को, जैसे बोलना हुआ, कोई पर्टिकुलर चीज़ को बोलना हुआ, या फिर कोई एक सेंटेंस को क्रिएट करना हुआ, ये आपका ब्रेन ईजिली कर पाता है। बट क्या है, जब आपके बॉडी में अल्जाइमर है तो आप किसी भी नए वर्ड को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। जैसे इस कंडीशन में हम क्या बोले, होता है ना कि जैसे कोई स्टेज पे जाता है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, उसको समझ ही नहीं आता वो क्या बोले, तो ये कंडीशन, हालांकि उसे अल्जाइमर नहीं है, बट इसी तरीके की कंडीशन कुछ डेवलप होती है अल्जाइमर के पेशेंट में, ठीक है। मतलब नेक्स्ट है हमारा एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब होता है जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स में सेंसेस का लॉस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि टच हुआ आपका, टच आपको सारे सेंसरी ऑर्गन्स तो पता होंगे, किसी चीज़ को फील करना हुआ, स्मेल करना हुआ, टच करना हुआ, ये सब चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी इन सब चीज़ों में। उसके बाद आपका जो बिहेवियर और पर्सनैलिटी है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि कुछ लोगों का नेचर होता है कि एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो डिप्रेस आउट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब बुझे बुझे से रहने लगेंगे, जो आपके पर्सनल, जो आपकी पहले की जो आपका नेचर हुआ करता था वो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होने लगेगा, आपकी चीज़ें पहले से बदल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है हमारा, स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर क्या है, तो इसमें सबसे पहली स्टेज है हमारी है माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हल्की स्टेज होगी अल्जाइमर की। तो इसमें क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 से 4 ईयर का। इसमें क्या होता है, रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाती है, आपका जो फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन आप रिसेंटली कर रहे हो और कोई इवेंट हुआ है उसका आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी। मतलब जैसे देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आपसे हमने बात किया
कुछ देर बाद आप उस बातों को भूल जाओ, उस बातों को भूल जाओ तो वो हमारा क्या है, रिसेंट मेमोरी लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें एक ही क्वेश्चन को बार बार बोलना, जैसे कि हमने खाना खाया है, हमने खाना खाया है, बार बार बोलना, किसी भी सेंटेंस को आपको रिपीट बोलना, बार बार एक ही चीज़ को बोलना। ये किस में होगा, जब स्टार्टिंग में, जब आपको अल्जाइमर होता है माइल्ड स्टेज में, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होना, कोई क्या बोल रहा है ये समझ ही नहीं पाना। उसके बाद क्या है, किसी भी चीज़ को लिखना, जैसे आपको आपकी राइटिंग आप लिख ना पाओ किसी भी चीज़ को। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट होना। उसके अलावा डिप्रेशन होना, जैसे कि हमने बताया था ना, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, तो नेचर में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा वो पर्सन, डिप्रेशन होना। फिर उसके बाद जैसे आपको पता है कि मॉर्निंग में उठ के नहाना है, खाना है, ये सब चीज़ें, तो जो आपकी नॉर्मल डेली रूटीन है इसको भूल जाना, मतलब आपको डेली एक्टिविटी भी रिमाइंड करानी पड़ेगी कि भाई आपको अभी ये काम करना है, ये काम करना है, ऑफिस जाना है, जो भी करना है वो आप भूल जाओगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अल्जाइमर की माइल्ड स्टेज में होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड स्टेज ऑफ अल्जाइमर, जो कि हमारा ड्यूरेशन है 2 से 10 साल का। 2 से 10 साल का ये क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। अब देखिए, जब टाइमिंग ज़्यादा बढ़ेगा तो वो चीज़ें वर्स्ट होती जाएंगी। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाएगी, आपका जो करंट इवेंट है या फिर कोई समय है या फिर टाइम है इसको आप भूल जाएंगे। मतलब जैसे होता है ना कि आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा कि जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसको हम उन सभी प्लेसेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो पर्सन पहले गया हुआ होता है। क्यों लेके जाते हैं, कि जिससे कि उसकी क्या हो, मेमोरी वापस आ जाए। तो क्या होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, आप वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। जैसे आप कहीं गए हो तो आपको याद है कि हम यहाँ पे गए हैं, लेकिन आपको क्या है, वो मेमोरी आप भूल जाओगे, आपके दिमाग से वो सारी मेमोरीज क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आपको क्या है, ट्रेमर्स यानी कि झटके आएंगे, कुछ जैसे कि क्या बोलते हैं, ट्रेमर्स आएंगे, स्लोनेस होगा, रिजिडिटी होगी, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाओगे, अब रिजिडिटी हो जाएगी, थोड़ा सा नम कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और ट्रेमर्स आएंगे आपको, जैसे कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कुछ उस तरीके के आपको ट्रेमर्स आएंगे। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट स्टेज। तो मॉडरेट स्टेज क्या होती है, उससे भी एडवांस स्टेज मॉडरेट स्टेज। तो मॉडरेट स्टेज में क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा चीज़ों को लेकर के, आप अपने इवन फैमिली और फ्रेंड्स को भी नहीं समझ पाएंगे, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी पहचान नहीं पाएंगे, किसी भी नई चीज़ को तो लर्न कर ही नहीं पाओगे आप। मतलब कि जैसे है ना, हम डेली रूटीन में कोई चीज़, नई नई चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं, आप कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो क्या है, किसी भी नई चीज़ को आप लर्न नहीं कर पाओगे, आपको किसी भी चीज़ को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, आपका बिहेवियर इंपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा आपका। और उसके अलावा क्या है, आपका जो इसकी वजह से आपका क्या होगा, जो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सेंसरी में प्रॉब्लम होने लगेगा, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स आपके काम नहीं करेंगे, ये सब आपका मॉडरेट केस में होता है। अब लास्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज में पहुँच जाए तो उसमें क्या होगा, आपको पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में कन्फ्यूज़न होने लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा अपना पास्ट और प्रेजेंट। इसके अलावा आपको लॉस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, किसी भी फैमिली मेंबर को पहचानने में प्रॉब्लम आने लगेगी, प्लेस को पहचानने में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको ड्रीमिंग होने लगेगी, हेलुसिनेशन होने लगेगा, कुछ आप जैसे जो चीज़ें आपके पास है नहीं आप उनको सोचने लगेंगे। जैसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है, या फिर ऐसा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये कंडीशन आपके पास डेवलप हो जाएगी, आपको एक इमेजिनेशन होने लगेगा, हेलुसिनेशन होने लगेगा। इसके बाद आपका बिहेवियर और मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसमें क्या होती है, आपको जो पेशेंट है उसको क्लिनिकल, उसको क्या होता है, पर्सनल सपोर्ट चाहिए होता है। क्यों, देखिए, जब पर्सन का मेमोरी नहीं है, उसको पास्ट प्रेजेंट किसी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, किसी भी प्लेस के बारे में सब कुछ वो भूल चुका है, तो उसको क्या है, एक पर्सन चाहिए होगा उसकी टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में आपको क्या होता है, पर्सनल सपोर्ट चाहिए होता है, और उसके बाद जो होता है सभी क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जैसे अगर आपको ये सारा अल्जाइमर की कंडीशन को अगर आप समझना है, तो आप एक, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो आपका अल्जाइमर है उसमें आपको मेमोरी लॉस है, तो आपको अगर इसके सिम्टम्स को समझना है तो आप एक समझ सकते हैं, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी अल्जाइमर के लिए, अल्जाइमर को रिलेट करते हुए हम बता रहे हैं कि आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, तो गजनी में क्या था कि वो
पर्सन जो है, जो आपके आमिर खान है हीरो जो है, वो क्या करते थे, आपके किसी भी प्लेस की फ़ोटो खींच लेना हुआ, किसी से तुरंत मिल रहे हैं तो उसकी फ़ोटो क्लिक करना हुआ, आपको जिनको वो जानते हैं उनकी फ़ोटो क्लिक करना हुआ, तो वो क्या करते थे, हर चीज़ को पिक्चराइज फॉर्म में क्या होता था अपने पास कलेक्ट करते थे, जिससे कि वो उनकी मेमोरी बनी रहे, उसको देख के उन्हें याद आ जाए, अगर वो भूल जाए तो उनके पास वो फ़ोटो हो जिससे वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो कुछ इसी तरीके की कंडीशन उसमें डेवलप होता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिसमें अल्जाइमर होने का खतरा होता है। तो सबसे पहला हमारा है जेनेटिक्स, यानी कि किसी भी फैमिली मेंबर को है तो उसके फर्दर फैमिली मेंबर को हो सकता है। इसके अलावा क्या है, फीमेल जेंडर, मतलब कि औरतों में उसको होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी तरीके की हेड इंजरी, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया गजनी वाली मूवी का, तो उसमें भी क्या होता है, हेड में इंजरी हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम हुई थी। तो वही केस है कि अगर आपको किसी तरीके की हेड इंजरी हो जाए, आपके साथ में चोट लग जाए और उस चोट से आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट अफेक्ट हो, तो उस कंडीशन में भी आपको अल्जाइमर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर इसके अलावा क्या हो गया, कोई भी वायरस या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन हो जिसकी वजह से आपको उस पार्ट को डैमेज वो कर जाए, तो भी आपको अल्जाइमर हो सकता है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली चीज़ है क्या है, हम सिटी स्कैन करवाएंगे, हम सिटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, इसके अलावा पैट स्पेक्ट, ये सारे क्या है आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो हम इसको करवाते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि आपका कितने परसेंट ऑफ मेमोरी, कितने परसेंट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट डैमेज हुआ है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में।